तो पठान के टीजर के लिए पब्लिक का जो रिएक्शन है वो आप लोग देख कर और आप लोग सुनकर बहुत ही चौंकने वाले हो गुरु लोग, क्योंकि यार एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि पठान जब टीजर आएगा और पब्लिक ने जो जो ट्वीट किए हैं या अगर कहें तो जहाँ जहाँ आप मैंने रिव्यू काफ़ी चेक किए हैं, जो काफ़ी मैंने रिएक्शन चेक किए हैं, काफ़ी ट्विटर पर मैं जाकर ये चेक किया हूँ कि पठान के टीजर के लिए क्या लोग सोच रहे हैं कि कैसा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, नेगेटिव क्या बोल रहे हैं लोग, वो सब कुछ आप लोग आज मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप लोग एसआरके हो, अगर आप लोग रियल वाले फैन हो एसआरके के, तो दो नवंबर आप लोग के लिए भैया आम दिन नहीं होने वाला, दो नवंबर आप लोग के लिए एक फेस्टिवल होने वाला है जिसको आप लोग 100% एंजॉय करें, मनाएं और ब्लॉकबस्टर उसको बना दें, क्योंकि 100 मिलियन तो क्रॉस करने ही करने हैं, चाहे अपन को जैसा भी करना पड़े लेकिन टीजर को 100% 100 मिलियन क्रॉस करवाने ही करवाने हैं। तो यार लेकिन यार एक चीज आप लोग मैं जरूर कहूं, तो उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को इनेबल कर दो ताकि पठान की हर अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। मैं ट्विटर पर जाकर हर ट्वीट चेक किए तो जहां जहां लोगों ने लिखे हैं, चाहे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, पठान के टीजर के लिए लोगों को अब जो है ना वेट नहीं होता। अब क्या है कि आप लोग को पता होगा कि किसी चीज की लत लग जाती है, किसी चीज की आदत हो जाती है, तो लोग उसके बिना रह नहीं पाते। अब यहां कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पठान की टीजर की कोई भी अपडेट होती है या कुछ भी होता है तो ट्रेंड तो होता ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो चुके हैं कि जब सुबह उठते हैं तो पहले ही पठान की अपडेट चेक करते हैं कि आज क्या अपडेट आई है, आज क्या आने वाला है, आज क्या होने वाला है। वो देखने के बाद ही उनको आराम मिलता है, उनको सुकून मिलता है, और उनमें से हम अगर कहें तो हम भी खुद बन जाते हैं, क्योंकि हमसे भी रहा नहीं जाता और हम भी डेली भैया पठान की अपडेट कोई ना कोई ढूंढते हैं और आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो लेकिन यार एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि पठान के टीजर का अब हमसे इंतजार नहीं होता यार, क्योंकि टीजर तो ब्लॉकबस्टर होना ही होना है, लेकिन टीजर जो रिकॉर्ड करेगा वो आप लोग, मैं बार बार बोल के थक गया हूँ कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होंगे, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग को दमदार डायलॉगबाजी देखने को मिलेगी, बढ़िया आप लोग एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, रोमांस आप लोग थोड़ा बहुत टीजर में दिखाया जाएगा, जॉन दीपिका एसआरके का लुक आप लोग को दिखाया जाएगा, तो एक प्रॉपर टीजर में जो मसाला चाहिए वो सब कुछ होने वाला है। तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि टीजर क्या बाप लेवल तक होगा यार, ये आप लोग जरूर कह सकता हूँ। एक चीज़ जरूर बताऊँ, जो लोग बोल रहे हैं कि पठान मूवी का टीजर फ्लॉप होगा, पठान मूवी नहीं चलेगी, लोगों को पसंद नहीं आने वाली, तो उन चूतियों को एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप लोग अपना ज्ञान मत पे लिए, क्योंकि ये आप लोग का बाप है, ये रुकने वाला नहीं है। चाहे आप लोग जितना भी नेगेटिव बोलो, चाहे आप लोग बोलो कि पठान नहीं रुकेगी, चाहे आप लोग बोलो पठान नहीं चलेगी, तो इनसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पठान तो पठान ही है भैया। वो एक ऐसी वायरफ की मूवी है जो 2023 की सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग करने वाली मूवी बन जाएगी, आप लोग ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जहां आप लोग किंग खान 4 सालों के बाद नजर आएंगे, तो वो भैया आप लोग के सीधा मुंह पे थप्पड़ मारने आएंगे, क्योंकि ये एक बवंडर चीज़ है। तो इसके सामने आप लोग मत आइए अगर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि टीजर के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, टीजर बाप लेवल तक जाएगा, पब्लिक का रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जो भैया एसआरके को पसंद नहीं करती वो भी दीवाने हैं, वो भी टीजर के लिए वेट करें, तो टीजर एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा 100%। तो आप लोग बताएं आप लोग टीजर के लिए कितने एक्साइटेड हो, मैं तो भैया वेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट मिलती रहे आप लोग सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमको 2 नवंबर को सेलिब्रेट करना है। तो भैया आप लोग के लिए रिव्यू सब कुछ डालने का मन करता है, तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए भाई लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ कहना हो तब तक भाई को सब्सक्राइब कर लाइक करके ताकि आप सबसे पहले